सबसे पहले सबको हाथ जोड़ के राम राम सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, छोटी छोटी तीन चार बातें सिर्फ आपके साथ साथ जा करेंगे। मेरी पहले एक प्रार्थना है, जो भाई ये पीछे जो ये शोर शराबा कर रहे हैं, एक बार इनको चुप करा दो जी एक बार। साथियों, जो सरकार पहले कहती थी कि आंदोलन सिर्फ एक राज्य का है, दो राज्य का है, ढाई राज्यों का है, आज एक बात उनसे कहना चाहते हैं कि दोनों फॉर्मों ने जब 10 तारीख का रेल रोको कार्यक्रम दिया तो अकेले तमिलनाडु में कम से कम 50 जगहों पे रेल रोकी गई। तमिलनाडु में रेल पूरे तरीके से बंद रही, ठप रही। बिहार में रेल रोकी गई, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे, हरियाणा में कई जगहों पे किसानों की गिरफ्तारी करी गई। अगर आंदोलन अकेला एक या दो या तीन राज्यों का है तो फिर तमिलनाडु में रेल कैसे रुकी? कुछ राजनेता कहते हैं कि दो राज्यों के किसान ही बार बार आंदोलन क्यों करते हैं। कल पूरे देश ने यह संदेश दे दिया कि एमएसपी का गारंटी कानून किसी एक दो या तीन राज्यों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के, पूरे देश के किसानों की मांग है। पूरे देश के किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए और पूरे देश के किसान उसके लिए आंदोलन लड़ रहे हैं और आंदोलन लड़ने को तैयार हैं। आने वाले समय में, जैसे मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा कि दोनों फोरमों के नेताओं की मीटिंग होने वाली है, दोनों फोरम के नेता आपस में विचार चर्चा कर रहे हैं और आने वाले निकट समय में बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रोग्राम दिया जाएगा और उस प्रोग्रामों के माध्यम से इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक, देश के हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं ये बार बार स्वदेशी का नारा देते हैं, ये बार बार मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और जब चौथे दौर की वार्ता थी तो सरकार के मंत्रियों ने हमें कहा था कि हम दाल बाहर से मंगवाने की बजाय अपने किसानों से खरीद लेंगे। उन्होंने 5 फसलों की एमएसपी पे खरीद की गारंटी का एक प्रपोजल दिया था, लेकिन दोनों मोर्चों ने विचार चर्चा करके, बुद्धिजीवियों से बात करके उस प्रपोजल को रद्द कर दिया था। इस सरकार का असली चेहरा आज दोबारा से पूरे देश, पूरी दुनिया के सामने आ गया। मेरे भाइयों, आज सुबह की बात करी जाए तो आज ही ब्राजील से 3000 टन उड़द की दाल भारत में आयात करी गई है। अकेले आज के दिन 3000 टन उड़द की दाल भारत से मंगवाई गई है और सरकार ने जो ब्राजील के साथ, जो अर्जेंटीना के साथ समझौता कराया है, उस समझौते के तहत आने वाले 5-6 दिनों के अंदर अकेले ब्राजील से 20000 टन उड़द की दाल भारत में मंगवाई जा रही है। हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एक तरफ आप कहते हो कि देश में स्वदेशी होना चाहिए, एक तरफ आप कहते हो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ आप 20000 टन उड़द की दाल ब्राजील और अर्जेंटीना से मंगवाते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, ब्राजील और अर्जेंटीना के लोगों ने वोट देकर आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारत के लोगों ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी ब्राजील और अर्जेंटीना से फसल खरीदने की नहीं बनती, आपकी जिम्मेदारी भारत के किसानों की हर फसल एमएसपी पे खरीदने की जिम्मेदारी बनती है। मेरे बुजुर्गों, 2020 में जब कोरोना आया, मलेशिया और इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल मंगवाया जाता था उसका आयात बंद हो गया। 2020-21 में आपको अगर ध्यान होगा, हमारी सरसों एमएसपी से भी ऊपर बिकी थी। उसके बाद अगले साल अकेले हरियाणा में 1,00,000 हेक्टेयर सरसों का रकबा बढ़ गया, पंजाब में 30,000 हेक्टेयर सरसों का रकबा बढ़ गया। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया।
जो वहां से सरसों देश में मंगवाई जाती थी वो भी बंद हो गई। हमारे देश में सरसों की डिमांड और बढ़ी और नतीजा ये रहा कि 2021-22 में भी सरसों एमएसपी से ऊपर बिकी, सरसों का रकबा देश में और बढ़ गया, सरसों की खेती बढ़ने लग गई। लेकिन पता नहीं क्यों 2023 में दोबारा से दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल मंगवा लिया गया। और आपने एक साल की बात कर लो, हमारी सरसों एमएसपी से भी नीचे बिक रही है। पिछले साल बिकी थी या नहीं बिकी थी सारे भाई बताओ, बिकी थी या नहीं बिकी थी? कारण क्या था कि दूसरे देशों को खुश करने के लिए और दूसरे देशों से जो कॉरपोरेट घराने पाम ऑयल का आयात करते हैं उन कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए अकेले पिछले साल 2023 का जो डाटा है 1,41,000 करोड़ का खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए गए, 1,41,000 करोड़ के तेल बाहर से मंगवाए गए मेरे भाइयों। तो साथियों इस सरकार की नीति में भी खोट है, इस सरकार की नियत में भी खोट है। और एक बात कहना चाहते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि आंदोलन की अब तक क्या प्राप्ति है। मैं उन भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, आंदोलन की प्राप्तियां बहुत सारी गिनवा चुके हैं लेकिन आज एक अलग बात कहेंगे। अगर कोई आंदोलन की प्राप्ति की बात करता है तो आंदोलन की एक बड़ी प्राप्ति यह है कि इस आंदोलन से पहले 2019 के चुनाव की तरह चुनावों से पहले यह सरकार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और जातिवाद के मुद्दे भुना के अपनी राजनीति चमकाना चाह रही थी। लेकिन जब यह आंदोलन शुरू हुआ उस आंदोलन ने तय कर दिया कि इस देश में ना तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलेगा, ना मंदिर मस्जिद का मुद्दा चलेगा, ना जाट नॉन जाट का मुद्दा चलेगा, ना पटेल नॉन पटेल का मुद्दा चलेगा, ना मराठे नॉन मराठे का मुद्दा चलेगा। अगर इस देश में कोई मुद्दा चलेगा तो वो किसान का मुद्दा चलेगा। और ये चीज आप लोगों ने करके दिखाई है मेरे भाइयों। मेरे साथियों जो गोदी मीडिया हमें दिन रात गाली देती है, जो गोदी मीडिया हमें आतंकवादी बताती रहती है, आप लोगों के संघर्ष ने, आप लोगों के त्याग ने, आप लोगों की कुर्बानी ने उस गोदी मीडिया को भी मजबूर कर दिया कि वो गोदी मीडिया भी आज किसान के मुद्दे पे बात कर रही है। आप लोगों के संघर्ष ने यह तय कर दिया कि आप कोई भी बड़ा अखबार उठा के देखिए, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब केसरी हो, या कोई भी अखबार हो, हर दिन उन अखबारों में एमएसपी के ऊपर लेख आते हैं। आज एमएसपी का मुद्दा घर घर में चर्चा का मुद्दा बन गया है। यह आप लोगों की प्राप्ति है। जो सरकार कहती थी कि एमएसपी का कानून नहीं बनाया जा सकता, जिस सरकार ने अपनी प्रोपोगंडा मशीनरी लगा के एमएसपी के मुद्दे को दबाने का प्रयास किया, आज वो एमएसपी का मुद्दा, उस एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में खड़ी हो चुकी है। कल उत्तर प्रदेश में रेल रोको कार्यक्रम के दौरान कई जगहों पे रेल रोकी गई, कई जगहों पे हमारे किसानों को गिरफ्तार किया गया। आज एमएसपी का मुद्दा देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो हमारे भी कुछ साथी जो 13 तारीख वाले आंदोलन का पहले विरोध करते थे, जो ये कहते थे कि काले पे सफेद से लिखवा लो एमएसपी नहीं मिलेगा, आज इस आंदोलन की प्राप्ति ये है कि हमारे वो तमाम साथी, हमारे वो भाई, उस परमात्मा के आशीर्वाद से वो भी एमएसपी गारंटी कानून की बात करने लग गए हैं। ये संभव हो पाया आपके संघर्ष के कारण, ये संभव हो पाया आपकी मेहनत और आपकी एकता के कारण। हम तो एक बात कहना चाहते हैं अंत में, ये लड़ाई हमारी सबकी, पूरे देश के करोड़ों किसानों की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी एक संगठन की नहीं है, यह लड़ाई किसी एक नेता की नहीं है, यह लड़ाई भारत के 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को यदि हमें जीतना है तो एक एक किसान को जागरूक करना पड़ेगा। पूरे देश में वो जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है और जिस दिन हमारी टोटल जो किसानों की जनसंख्या है अगर उसके 10% लोग भी आंदोलन में उतर गए तो इस सरकार की इतनी हैसियत नहीं है
कि ये सरकार हमारी मांगों को पूरा ना करे। साथियों, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं सारे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और अंत में वही बात पहले जो मैंने कही वो कहना चाहता हूं, दोनों मोर्चे विचार चर्चा कर रहे हैं, मजबूत प्रोग्राम दिए जाएंगे, शांति और अनुशासन के साथ आंदोलन चलेगा, शांति और अनुशासन के साथ आगामी प्रोग्राम लागू होंगे। और आज मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने जैसे बताया, भाई संदीप सिंह ने, आज राजस्थान से हमारे पास वीडियो और फोटो आ चुके हैं, आज राजस्थान से सैकड़ों किसानों का ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था इन मोर्चों की तरफ सुबह चला था। रतनपुरा के पास पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया है, वो वहीं बैठे हैं, वही मोर्चा शुरू हो गया है। अगर सरकार ये सोचती है कि हम लठ मार के या गोली चला के या जहरीली गैसों के गोले छोड़ के मोर्चे को उठवा देंगे, तो ये सरकार की गलतफहमी है। ये मोर्चा पीछे नहीं हटेगा, ये मोर्चा लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, हर राज्य में, हर जिले में आंदोलन की आवाज पहुंचती जा रही है। अब किसानों पे गोली चलाने वाले पीछे हटेंगे, अब किसान की नहीं, किसानों पे जुल्म करने वालों की हार होगी। अब हमारा भाईचारा मजबूती से है और मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे और आंदोलन निश्चित तौर पे जीतेंगे। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।